कि सीन ये था, ओला वालों ने स्टार्टिंग में कहा था जो पहले पैसे देगा तो पहले उसी को मिलेगी। तो फाइनली गाइस मैं करा चुका हूँ ओला परचेज एंड अमाउंट था 20,000 20,000। एंड आज मैं व्लॉग में यही बताने वाला हूँ उसका पर्पस की प्रोसेस ही कैसे उसको बुक करना है एंड कैसे उसकी पेमेंट करनी है। बट स्लॉट जो था अब वो बंद हो चुका है। लास्ट उसका स्लॉट था 16 सितंबर और स्टार्ट हुआ था 15 सितंबर को। एंड अब गाइस अपना इंट्रो का टाइम आ चुका है। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस साइड इज आकाश ग्रुम, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल ग्रुम ब्रदर्स। सो ऑलराइट गाइस, सो कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो बेसिकली गाइस, जब 15 सितंबर को इनका प्रोसेसिंग फीस का खुला था, बट मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरा इतने जल्दी नंबर आ जाएगा। जो रीज़न ये था क्योंकि जो मेरे से पहले एक महीने पहले बुकिंग कर चुके थे उनका नंबर नहीं आया था। तो फाइनली उनका 15 सितंबर में उनका नंबर आया, तो मैंने सोचा एटलीस्ट मेरे को हफ्ता 10 दिन और लगेगा। बट सडनली ओला वालों का मेल आ गया था एंड मेरे को 7-8 बजे के अराउंड मेल आया था रात को। एंड जैसे मेरे को मेल आया तो थोड़ा मैं हक्का बक्का रह गया बिकॉज मेरा अमाउंट जीरो था। तो मैंने नेक्स्ट डे 16 सितंबर को आफ्टर 11-12 बजे के अराउंड मैंने बुक करी था। 20,000 रुपये मैंने पे कर दिए थे ऑनलाइन। एंड जो मेरे व्हीकल ओला की डिलीवरी है उसका मेल रात को आ चुका था। वैसे 72 घंटे के अंदर आना था। तो मेरे को जब मैंने दिन में 12 बजे के अराउंड फीस पे करी तो एंड मेल आ चुका था ओला वालों का कि आपका अमाउंट सबमिट हो चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो डिलीवरी दिखाई गई है ओला की, वो दिखाई गई है 1 जैन की, क्योंकि सीन ये था ओला वालों ने स्टार्टिंग में कहा था जो पहले पैसे देगा तो पहले उसी को मिलेगी। तो मैं पे नहीं कर पाया, मैंने नेक्स्ट डे पे किया। तो इसी चक्कर पे मेरे को 3rd स्लॉट में मिलेगी। 1st स्लॉट वालों को मिल रही है 25 अक्टूबर से लेके नवंबर 25 तक। एंड 2nd स्लॉट वालों को मिल रही है 25 नवंबर से लेके दिसंबर 25 तक। एंड जो मेरे को मिली है वो मिल रही है 1st जैन से लेके एंड 31 जैन तक के बीच की डिलीवरी है। एंड देखा जाए एक तरीके से मुझे थोड़ा अफसोस भी लग रहा है कि इतनी लेट डिलीवरी दी जा रही है ओला की। एंड थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, चलो ठीक है, नए साल की बात है तो अलग ही चीज़ होगी, तो अलग ही मॉडल होगा। कहने का मतलब है 2022 का मॉडल होगा। एंड ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, कहने का मतलब एक तरफ नेगेटिव तो एक तरफ पॉजिटिव भी लेके चलो। तो कभी नेगेटिव मत रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जो कुछ भी हो लाइफ में चलता है ग्रो, तो यही कहने का मतलब। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख के जाना। एंड गाइस देख सकते हो खुला मैंने ओला का ऐप, तो यहाँ पे परचेसिंग का ऑप्शन आ गया था। बट ये तब आएगा जब आपको मेल आएगी। तो मेल आने के बाद यहाँ पे लिखा है परचेस नाउ, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया परचेस नाउ पे। एंड अपना जेट ब्लैक हमेशा की तरह कलर। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, एंड यहाँ पे जो मैंने S1 अपने लिए बुक करी थी, प्रो सोच रहा था बुक करने के लिए, पर प्रो थोड़ी कॉस्टली पड़ रही थी तो इस रीज़न से प्रो मैंने बुक नहीं करी। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो गाइस ये देख सकते हो S1 का प्राइस है। बट ये थोड़ा देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया, इसमें एक शोरूम दिखाया जा रहा था 1 लाख, बट यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन हुई तो देख सकते हो यहाँ 1 लाख के साथ अपना रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स अपना 2,438 रुपीज़ दिए गए हैं हम लोगों से। एंड स्कूटर इंश्योरेंस 6,561। एंड यहाँ पे हेलमेट का मुझे समझ में नहीं आया, मैंडेटरी दे रखा है 750 रुपये का, 479 का हेलमेट दे रखा है। यहाँ पे ओला पे जाके क्लिक करना है, यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद अपनी डिटेल भरनी है, यहाँ पे अपना फुल नेम, मेल एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। एंड ये अपना हाउस नंबर, अपना एड्रेस कि कहाँ पे आप डिलीवरी कराना चाहते हो अपने ओला व्हीकल की। यहाँ पे सब होने के बाद कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद तो गाइस देख सकते हो आप, तो गाइस में आप ये चीज़ देख सकते हो, अगर आपकी स्कूटी ठीक ना हो तो इसमें आपको क्लेम मिलेगा स्कूटी से भी ज़्यादा 1,28,914 रुपीज़। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बस एक ये प्लस पॉइंट लगा, और तो मैं थोड़ा शॉक हो गया देख के कि क्या क्या है इसमें। 1 साल का है ऑनर डैमेज कवर एंड 3rd पार्टी है 5 ईयर्स का। एंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो पर्सनल एक्सीडेंट कवर, रोड साइड एंड 0 डेप्थ। तो ये चीज़ें आप इसमें ले सकते हो, इसका थोड़ा अलग चार्ज है सबका। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है,
क्योंकि प्राइस ये इसलिए बढ़ाया गया है जो हमने अभी तीन चीज़ ली है, रोड साइड एंड ज़ीरो डेप्थ, ये जो चीज़ हमने ली है ऐड करे हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ चुका है गाइस। एंड जो हमारी प्री बुकिंग थी, हमने जो 500 रुपये सबमिट कराए थे, वो माइनस हो चुके हैं यहाँ से। माइनस होने के बाद ये पड़ता है अपने को 1,10,106 रुपीज़। तो ये थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। कहने का मतलब है जो गाइस, जो मेरा एक टारगेट था वो था 1,05,000, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट यहाँ पे 10,000 क्रॉस कर चुका है, तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा। जैसे कि गाइस 20,000 की पेमेंट के करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आर यू नाउ द पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। और जो यहाँ पे है जो यहाँ पे एडवांस पेमेंट पेड हो चुकी है, यहाँ पे टिक आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 20,000 की पेमेंट कर चुका हूँ एंड यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर नाउ पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन था एडवांस अमाउंट पेड 20,000, ये टिक हो चुकी होगी गाइज। एंड गाइज उसमें थर्ड ऑप्शन है EMI का, वो अभी टिक इसलिए नहीं आया क्योंकि ओला 15 अक्टूबर को एक मेल करेगी एंड मेल करने के बाद उसमें हमें अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, देन उसमें EMI हमें भरनी पड़ेगी। कम से कम जो EMI हम भर सकते हैं वो है 299 की गाइस। एंड फोर्थ ऑप्शन जो स्कूटर शिपिंग डिलीवरी का है, वो 72 घंटे के अंदर आ जाएगा गाइस। एंड जैसे कि मेरे को 5-6 घंटे के अंदर आ चुका होगा, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे जो मेरे व्हीकल की डिलीवरी होने वाली है उसमें दी गई हुई है। एंड 1 जैन से स्टार्ट है 31 जैन तक, इसके बीच में कभी भी आ सकती है। एंड अब देखा जाए कैसा है रिव्यू, एंड इसकी टेस्ट ड्राइव भी होगी गाइस। इसकी टेस्ट ड्राइव ओला ने बताया है 20 से 25 अक्टूबर के बीच में इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं गाइस। एंड अभी मैंने भी इसको सोचा नहीं है प्रॉपरली तरीके से कि मैं इसको भी लूँगा, बट मैं पेमेंट कर चुका हूँ गाइस। जब इसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा ना गाइस, अपनी जब भी इसकी टेस्ट ड्राइव आती है, ओला की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी आता है ओला की तरफ से, जब उसके टेस्ट ड्राइव का मौका मिलेगा मेरे को, एंड देन टेस्ट ड्राइव के बाद मैं कंफर्मेशन हो जाऊँ कि मैं इसको लूँ या नहीं लूँ। डरने की बात नहीं, अगर आपने पैसा सबमिट करा दिया है तो गाइस ऐसा कुछ नहीं, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ऐसा कोई डरने की बात नहीं। बट कैंसिल आपको तब तक कर सकते हो जब तक आपका जो सामान है ना, व्हीकल है, वो फैक्ट्री से निकल ना गया। अगर फैक्ट्री से निकल गया ना तो गाइस तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, फैक्ट्री से निकलने से पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, फैक्ट्री से निकलने से पहले आपकी जो डेट दी गई है 1 जैन से, तो एटलीस्ट 10-15 दिन पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हो। कहने का मतलब है दिसंबर 20 तारीख से पहले आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कि पेमेंट भी रिफंडेबल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है गाइस। स्लॉट खुलेगा नेक्स्ट टाइम, तो आप लोग प्रिपेयर होके समझ चुके होंगे कैसे करना है, कैसे बुकिंग करनी है, कैसे पे करना है। एंड जो मेरे ओला के टोटल व्हीकल अमाउंट था वो था 1,10,000, तो ये थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि ओला वालों ने बताया था 1,00,000 की है, तो एक शोरूम तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, टैक्स वैक्स लगा के ऑलमोस्ट होना चाहिए था 1,05,000 के अराउंड, मैं ये सोच रहा था, ऐसा मेरा टारगेट लगा के सोच रहा, बट 1,10,000 एंड काफ़ी चीज़ें थी उसमें मैंडेटरी गई थी, जैसे कि हेलमेट। तो हेलमेट ओला को कहने का मतलब है मैंडेटरी नहीं करना चाहिए था उसको, एक तरीके से परमानेंटली नहीं करना चाहिए था, एक मर्जी होनी चाहिए चाहे तुम लो या ना लो ऑप्शन में, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सी लगी। एंड गाइस इसके ऊपर ही मैं जल्दी से ब्लॉग लेके आने वाला हूँ कि ओला वालों ने ऐसा क्यों किया। एंड आई होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जिसने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो यूजर नेम यहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ मैं अपडेट डालते रहूँगा ओला से लेके रिलेटिव, एंड जो मेरी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर से रिलेटिव कौन सा ब्लॉग कब आने वाला है, तो आपको अपडेट जाननी है गुरु ब्रदर्स के चैनल में, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। एंड इंस्टाग्राम में तो आप लोगों ने फॉलो कर ही लिया होगा, एंड काफ़ी व्यूअर्स है गाइस जो वीडियो पूरी देख के जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करते हैं करो, इसमें आपका लॉस नहीं है, इसमें आपका कुछ जान नहीं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब से हमें अच्छा लगता है। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट तो ज़रूर करके जाना गाइस, एंड लाइक तो ज़रूर ठोक के जाना। एंड अपने आस पड़ोस, मम्मी पापा भाई बहन, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ये वीडियो फैला दो गाइस, एंड मेक श्योर आपको वीढ़ो अच्छी लगी होगी। ऐसी टिल देन नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में मिलेंगे गाइस, एंड साइनिंग ऑफ गुरुंग ब्रदर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरुंग ब्रदर्स, फैला दो यारो।